ये है बीना रेलवे स्टेशन, जहां से रोज कई ट्रेन्स गुजरती हैं और मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। सुबह के 8 बज चुके हैं और दक्षिण एक्सप्रेस के आने का टाइम हो गया है। यात्री गण कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 12722 दक्षिण एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। ये है दक्षिण एक्सप्रेस, जो न्यू दिल्ली से चलकर हैदराबाद को जाने वाली एक लंबी दूरी की ट्रेन है। शर्मा जी, क्या हाल है? ओ नक्षिन, तुम आ गए। तुम हमेशा सही टाइम पर आते हो, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही मन लगा के काम करते रहो, एक दिन तुम जरूर एक्सप्रेस से सुपर फास्ट एक्सप्रेस बन जाओगे। क्रिया शर्मा जी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 22162 राजधानी एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। ये है राजरानी एक्सप्रेस, जो दमोह से चलकर भोपाल की ओर जाने वाली एक छोटी और बहुत ही खूबसूरत एक्सप्रेस ट्रेन है। हेलो राजरानी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ दक्षिण। आज तुम लेट हो गई। हाँ, पटरियों पर पानी होने की वजह से आज मैं धीरे धीरे चल रही थी। अच्छा, ओके दक्षिण, मैं चलती हूँ, मेरे जाने का समय हो गया है, हम फिर मिलेंगे। राजरानी और दक्षिण दोनों ही भोपाल की ओर आगे चल देते हैं। दोनों ट्रेन्स अपने एक्चुअल टाइम पर भोपाल पहुंचने के लिए तेजी से आगे बढ़ती हैं, पर दोनों ट्रेनों को भोपाल पहुंचने के पहले ही आउटर पर रोक दिया जाता है। क्या हुआ राजरानी, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या हम लोगों को हमेशा ऐसे ही रोका जाएगा? क्या हम कभी सुपर फास्ट एक्सप्रेस नहीं बन पाएंगे? नहीं राजरानी, जरूर बनेंगे, बस हमें अपने काम को इसी तरह ईमानदारी से करते रहना होगा। कुछ ही देर में वहां पर मालवा एक्सप्रेस ट्रेन भी आ जाती है। मालवा एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है, जो मध्य प्रदेश की लंबी और तेज चलने वाली ट्रेनों में से एक है। तुम दोनों यहाँ खड़े हुए कितने अच्छे लगते हो। ऐसे ही धीमी गति से चलते रहे दक्षिण, तो एक दिन सुपर फास्ट का तो पता नहीं। हाँ, पैसेंजर बहुत जल्द जरूर बन जाओगे। मालवा जैसी ट्रेन अपने अवधि का गलत फायदा उठाती है। मालवा अपने समय से 2.5 घंटे लेट चल रही है, पर फिर भी उसे कभी कोई कुछ नहीं कहता।
तुम चिंता मत करो राज्य रानी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 22162 राज्य रानी एक्सप्रेस आज अपने समय से आधे घंटे देरी से चल रही है, इसलिए आज वो 8 बजे प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आएगी। यात्रियों की असुविधा के लिए हमें खेद है। अगले दिन राजरानी फिर से अपने टाइम से देर से बीना स्टेशन पर पहुंचती है। राजरानी, आज तुम फिर अपने समय से 30 मिनट लेट हो। अगर इसी तरह चलता रहा ना तो आई एम रियली सॉरी, पर तुम्हें एक्सप्रेस से पैसेंजर ट्रेन बना दिया जाएगा। आई एम सॉरी सर, मैं कोशिश कर रही हूँ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 12721 दक्षिण एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। राजरानी स्टेशन मास्टर की बातों से बहुत प्रभावित थी और इस वजह से वो इस बात को नहीं देख पाई कि उसकी बोगियों के बीच की कपली बहुत कमजोर हो चुकी थी और वो किसी भी पल खुल सकती थी। मैमो, क्या तुमको पता है कल एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा है। मेरे को नहीं पता। कल राजरानी की कपलिंग टूट गई थी, सारी बोगियां बिना इंजन के पटरियों पे दौड़ रही थी। वो तो अच्छा हुआ मालवा सही समय पर आ गया और सभी लोगों की जान बच गई। राजरानी को उसकी इस गलती के लिए स्टेशन मास्टर माफ नहीं करता है और उसे 2 महीने के लिए सस्पेंड कर देता है। राजरानी कहीं पर जा ना सके इसलिए स्टेशन मास्टर उसे यार्ड में बंद करवा देता है।